तक पूरा क्यों नहीं हुआ? बस बेटा कल मैं ना वो फिर मैं थक गई, उसके बाद मैंने ना कुछ आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था, मैंने कुछ सब्जियां ली थी फ्रिज में रख दी, फिर वो मुझे डर था ख़राब ना हो जाए क्योंकि बाहर रेडी वाले से ली थी। कल फिर मैंने गोभी को बॉयल करके रख लिया, जो पेठा लिया था उसे पका के रख लिया, देसी तोरियों को थोड़ा सा फ्राई करके फ्रीज कर दिया, जिसकी वजह से ये शर्ट जो लंबी हो गई, लंबी तो नहीं है बस इसके बाजू जोड़ने वाले। और अभी हम आपको इसकी डिज़ाइनिंग शेयर करते हैं कि इसने हमारा इतना टाइम क्यों लिया, ये देखें, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैंने बनाना था। ये मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ, ये वाला डिज़ाइन है, ये वाला कॉलर, ये मैंने पहले कभी नहीं बनाया और ये फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है। बड़ा औखा सा बनाया ये, लोन पर औखे डिज़ाइन, ये वैसे ना सर्दियों के कपड़ों पर ज़्यादा सूट करते हैं, मगर उन्होंने अपना वो कहते हैं ना कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है कि देखो गला बना क्या खूबसूरत है। चलें ये देखें, अभी तक मम्मा से सेट नहीं हुआ तो इतना तो बड़ा कॉलर है ये। ये हमने बनाया अंगरखा के साथ, ये कोट कॉलर लगा है, ये देखें ये बिल्कुल जिस तरह पिक्चर पर है ना गले के साथ ही लगा हुआ, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है क्योंकि कल मैंने हदील को ना इसको गले पे डाला था उसके। ये हमने अब इसको प्रेस करना है जनाब, ये इसकी नोक निकल रही है और इधर से हमने इसको करना है। ओए होए हो, ये हमारे नेबर्स की तरफ से चूँ की आवाज़ आई क्योंकि वो मशीन कपड़े वाले लगा रहे। ये हमारा बन गया। अब जितना कपड़ा था ना, एक पट्टी इस प्लेन की तैयार हुई, एक पट्टी तैयार हो गई जनाब इसकी, ये है सही लग रहा है दीदी दिखने में, ये देख सही, हाँ ये देख। इसके हम अब रखेंगे थोड़ी सी साइडें चौक रख देंगे क्योंकि कपड़ा इतना खुला नहीं था। और अभी ये कफ वाले बाजू बनेंगे, इसमें ठुनर लगती है वो तो आप सब जानते कैसे बनने, अब वो बनाकर फिर मैं पूरी लुक ही वैसे शेयर करूंगी आपसे। जब बिल्कुल साइजिंग है हैंग करके इसको हैंगर कहते हैं करके लटका देता हूँ तो हम देखते हैं लटक देते हैं। पर मैंने ना 3 एक्स्ट्रा कपड़े मेरे पास पड़े थे जो मैंने इसकी कॉलर की कटिंग में लगाए थे क्योंकि इतना बड़ा कॉलर मैंने नहीं लगाया था, छोटे कॉलर तो लगा रहे थे मुझे, यानी कि थोड़ा सा आप में थोड़ी गड़बड़ होती है। हालांकि ये जो इस तरह निकलना क्योंकि जब पहली दफ़ा लगते हैं ना तो 3 कपड़े ज़ाया किए, जब तीसरा कपड़ा मैंने ट्राई किया ना उस पर ये सही बना। अब इंशाल्लाह उस बच्ची को पहना हुआ अच्छा लगे तो फिर क्या कहते हैं ना पूरी मेहनत वसूल हो जाएगी। और एक और हम आपको दिखाते हैं अपनी शर्ट, हमने ब्लैक कंप्लीट की है, वो बड़ी प्यारी लगी थी, वो भी दिखाओ, उसकी भी थोड़ी सी वीडियो करूँगा। दिल करती मैं आपको बाद में दिखाती हूँ क्योंकि हमें बिछाना पड़ेगा, उससे पहले मैं क्या चले आपके साथ शेयर करती हूँ अपना ये कुर्ता। ये है जी मेरा कुर्ता जो के 4 माह से जो के जल्द ही नहीं जी जो के जल्द ही अलाप पिक होने वाला जी। इधर इधर करो जरा, असल में ना ये मैंने कपड़ा खरीदा, मुझे बड़ा ये उसमें बना है जैकार्ड में ना, नहीं जैकार्ड नहीं है इसको क्या बोलते हैं, अगला कपड़े का नाम नहीं आ रहा, इसमें लाइनिंग सी होती है उसके ऊपर छोटे छोटे से फूलों का प्रिंट है, बड़ा अच्छा लगा मैंने ले लिया, फिर पड़ा रहा। अब डिजाइनिंग ऐसी करती हूँ वैसी करती हूँ, फिर कस्टमर्स के कपड़े स्टिचिंग करने में थोड़ा मेरा टाइम निकलता है, फिर मेरे पास एक वर्कर आई, मैं कहा चलो तुम इसको मेरा कुर्ता सिलाई करो फिर तुम्हारी मैं देखती हूँ तुम कितनी अच्छी स्टिचिंग करती हो। होए होए उनने मेरे कुर्ते दीना की कहते आत्मा नहीं, यानी कि उन्हें फर्स्ट टाइम खींचा पर उन्हें धेड़े अब वो शायद कंफ्यूज हो रही थी कि आप ही कोई ऐसी चीज पसंद है, फिर ये 4 दफा उधड़ा है फिर ये डिजाइनिंग। अब आप देखें आप बताएं कैसी बनी है। अभी मैंने इसमें से एक और चीज उधेड़ दे दी वो मैं आपको बता दूंगी, हथेली नीचे करो कैमरा, ये है कलियों वाला कुर्ता, ये देखिए ये बाजू, ये कलियों में हमने लेस लगाई है, ये हमारे बाजू का डिजाइन है, ये गोटा है ठीक है, ये गोटे के हमने क्रॉस बनाए सारे, ये है जी एक रॉ सिल्क टाइप कपड़ा है और ये ऊपर टिश्यू है जिसकी हमने ये मुसलसे बना कर लगाई, और जनाब ये जो कली जा रही है ना इसके नीचे से फिर हमने कट लगाया, कपड़ा निकाला और यहाँ पर भी हमने टिश्यू भर दिया डिजाइनिंग करके, वैसे इसका कोई मकसद नहीं था तो चुपका, इसको वैसे पसंद नहीं आ रहा हदीर को लेकिन ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगेगा, ये इसकी ऑल ओवर लुक है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने बोल क्या करना है। अब मेरी वर्कर ये देखिए ना तरपाई कर गई है, अब पीछे तो उसने ये हमने वाइट लगा दी है ना सिलक रा सिलक टाइप जो कपड़ा होता है फेसिंग के लिए ये हमने लगा दिया, लेकिन ये देखिए इसके एजेस बाजे हो रहे हैं, देखिए ना गौर से ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे, अब इधर से भी हो रहे हैं और ये देखिए इस तरफ से भी हो रहे हैं। अब मैंने इसको दोबारा उधेड़ देना तरपाई सारी, और मैं सोच रही हूँ कि जो मशीन वाले थे मशीन की एम्ब्रॉयडरी कर दें उनके पास लेकर जाऊँ और ब्लू कलर से कोई भी एज इस तरह का एल शेप में इस तरह बन जाए ताकि ये जो चीज़ें हैं ये घूमी हो जाए और खूबसूरत मिले।
और जिस तरफ से कली लगी हुई ना, अब इधर से थोड़ा मुश्किल है, इधर से मैं बारीक बारीक ना पीकू करवाऊंगी इस तरफ से, अंदर की तरफ से, यहाँ से। ये देखिए ना, इधर से तो नीट हो गया है लेकिन इधर से नजर आ रहा है। बस यही बारीकी होती है, जिस कपड़े में आप जितनी खूबसूरती से इसको सफाई के साथ बना लेना, आपका कपड़ा उतना ही नीट और पहना हुआ खूबसूरत डेलिकेट लगता है। इतना सिंपल सूट है ना, उसकी स्टिचिंग मैं कहती हूँ उतनी ही मुश्किल हो जाती है। एक सूट और है, वो हम खोल के रखते हैं, ब्लैक सूट, बहुत दिक्कत है। मैं पहले खोलती हूँ फिर आपके साथ उसकी वीडियो भी शेयर करती हूँ। अदी, ये क्या प्रेस तो किया नहीं सूट आपने, इस्त्री तो आपने करना है। वाह, मैंने इसको बोला कि ये आप बिछाओ और वीडियो बनाकर बताते हैं, तो प्रेस किया नहीं, वैसे बिछा के बैठ गई। उसका गला देखे बेचारे, कैसे मुंह खोल के खड़ा है, उसको भी सही तरह टाइट नहीं किया आपने, क्लोज नहीं उसके ऊपर लगा ही नहीं हुआ डोरी उसके अंदर, तो अभी कपड़ा लेना। तो मैं बस डिजाइनिंग शेयर करनी थी, देखो जरा सिलवट वाला सूट दिखाती है, ताकि किसी को पसंद ना आवे, है ना। तो कर ले प्रेस फिर आप। चल ठीक है जी, हम इसको प्रेस करके हैंगर पर लटका के फिर आपको दिखाते हैं, मगर इन्हें जैसे हालत दिखाती भी ना, किसी कहना कि किसी कड़े से कड़े के साथ सूट बताना शुरू करता है, ऐवी है ना हदीर जान ना। इसको आ रही है और ये झटके खा रही है, तभी इसको जमाइयाँ आ रही हैं, और इसकी कोशिश है कि मैं इस कमरे से भागूँ, और मेरा वर्कर अभी तक नहीं है। जैसे वो आते फिर मैं इसको प्रेस करवाती हूँ। हमें सिलाई कहाँ तक पहुँची? काफ़ी हद तक माशाल्लाह, वो जो शर्ट थी वो तो मैंने कंप्लीट कर ली है, और वर्कर से जो मैंने लिखवाया गोटा वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगा दिया, फिर उससे धुड़वाया, वो सारा टाइम गया। उसके बाद फिर पता ही है, खाना खा के मुझे सोचती है। हमने ब्लैक सूट भी नहीं दिखाया। ब्लैक सूट में से प्रेसिंग ही वाली वीडियो बना रही थी मैं, फिर उठी हूँ, फिर डाई लगवाया वहाँ पर, अब जवान लग रही है। शूट ही नहीं किया कुछ भी, बस डाई लगवाया मैं, अपने बाल वॉश किए हैं। और ये परसों के, आज मेरे पास चौथा दिन, तीसरा दिन हो गया, मैंगो लाई थी चार डालने के लिए, वो पड़े पड़े बेचारे पीले हो गए हैं, तो फिर मेरा दिमाग में वो अलग रोशन हुआ कि उनकी चटनी बना, अचार नहीं जल रहा। पिछली दफा भी जब लिए मैंने 5 किलो, उनकी भी मैंने चटनी बनाई, और आज फिर चटनी ही बना दी मैंने, फिर चटनी बनाई, क्योंकि मैंगो लेकर आए ना आप कच्चे आम, उनको फौरन धो के 1 घंटा पानी में धो के 2 घंटे काट के उनको नमक और हल्दी गिरा के रखते, मुझसे ये हुआ नहीं आती। मैं फिर काम उस स्कूल को अपने जो एमरजेंसी मेरे सूट पे थे, जो मैंने बताया थे वो मैं आपके साथ उनकी वीडियोज भी शेयर करती थी, वो शाम तक मैंने देने थे बस, फिर चटनी बन गई, बड़ा मजा आया था चटनी। दिल मजे का लगा है, मजे के ना, ये मैं काट रही हूँ, इतना मजे का मीठा निकला ना, शहद की तरह मीठा है ये, इसको मेरे घर 2 दिन और रखेंगे, पक के आम बन जाएगा। और ये मुझसे मांगे जा रही कि मुझे दे दें, बल्कि ये साबत का साबत ही मुझे दे दें, तो मैं चटनी का ही बनाऊँगी फिर, आप एवं खाई कहते हैं दिल, वैसे मैं भी खा ला बच्चों, वो ना बड़ा ही मज़ेदार है। जब मम्मी चार डालती थी ना, मैं ही सब तो पता मेरे को साफ करती कर दिन जो निकलने खा लिया, बदतमीज इधर इतना सारा लगा हुआ, अस्तग़फ़िरुल्लाह, तू झूठ नहीं बोलने लगती है दिल जान। अदील ये सारा लगा हुआ, उसमें से टुकड़ियां काट कट के तुझे भी तो खिलाई है मैंने, चल फाड़ ले, मेरा हाथ थक गया होना, इस तरह नहीं खरीदा होता ना, तू तो अच्छी बच्ची है, चल फाड़ ला मेरा बेटा। हाँ मैंने काट लिया है, ठीक है, काट के मैंने इसमें 2 छोटी इलायची, ये 3-4 टुकड़े छोटे छोटे दालचीनी, और हमने 3 लौंग डाल दी, ओए हाथ लग गया मेरे इतनी जोर से, 2 से 3, 3 से 4 लौंग डाल दिए, और थोड़ा सा आधा ग्लास, 1 गिलास पानी डाल के ना मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। जब जैसे ये नरम होगी ना, उसके बाद हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। और इधर हमने रात का खाना बिल्कुल नहीं बनाया, और मैं और मेरी बेटी इंजॉय करने लगे हैं। अच्छा, मैं तो मम्मा को क्या इंजॉय करने लगे हैं, बना रही है हदील नूडल्स, और मेरी इधर चटनी पकती है थोड़ी देर के लिए। तो मैंने एक मूवी डाउनलोड करवाई थी हदील से, आजकल मूवीज देखने का जरा शौक चढ़ा हुआ है मैंने, कोई अच्छी मूवी देखती हूँ तो मैं कहती चल देखते हैं इसको। काफ़ी टाइम से ना मैंने ड्रामे और मूवीज देखनी बंद कर दिए थे, और काफ़ी इमोशनल सी मूवी है, तो
इसने मुझे बताया, बड़ी वाकई बड़ी मजे की मूवी है, सिंपल सी। नाम क्या है इसका? इवन इफ द लव डिसअपीयर्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड टुनाइट। जैपनीज मूवी, जैपनीज मूवी बड़ी मजे की है, इमोशनल सी है। एक लड़की की अपनी याददाश्त को बैठती है। बहरहाल मैं देखती हूँ, फिर आपसे इसके बारे में डिस्कस करूंगी। अभी वो नूडल्स बनते हैं, साथ हमारी मैं चटनी रखती है, और इसको मैं थोड़ा सा पका के आग बंद कर दूंगी, गैस भी जाने वाली। फिर मैं कल मुकम्मल इसको पकाऊंगी, फिर कल वाले ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि अब हमने बाकी का चटनी का काम आके क्या करना है। तो इस वक्त रात के बज रहे हैं जी 9:15 होने वाले, तो इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का अख्ताम करते हैं। मैंने अपने बाल भी डाई कर लिए हैं इतने दिनों बाद, ईद के मेरे ख्याल डाई लगाई थी और अब लगाई है। हाँ, ईद के बाद अब लगाई है, उसके बाद दरमियान मैंने मान गई। चले जी, इसी के साथ अपने ब्लॉग का करती हूँ अख्ताम। जाने से पहले फिर से मेरा वही पैगाम, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, वो भी जरूर कीजिए, और बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। अल्लाह हाफिज़।